दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और इसका लाइनिंग भी कट कर लिया है और आपको साइज बता देती हूँ। तो देखिए 14.5 इंच लिया है और जो ब्लाउज है वो मैंने 15 इंच लिया है, तो हाफ इंच नीचे इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और देखिए इसका जो साइज है ये मैं 42 इंच का बना रही हूँ। तो देखिए तैयार में हमारा 11 इंच आएगा और ये 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो मैंने लाइनिंग ब्लाउज दोनों कट कर लिए हैं, तो सबसे पहले डिजाइन हम लाइनिंग पे कट कर लेते हैं, ब्लाउज को साइड में रखते हैं। शोल्डर से 2.5 इंच, लेंथ 10.5 इंच, तैयार में 10 इंच रहेगा। देखिए नीचे से थोड़ा ब्रॉड रहेगा और ऊपर से हमारा सेम रहेगा। तो देखिए इस तरह से शेप आएगी, सेम ड्रॉ पे हम कट कर लेते हैं। सेम ड्राफ्ट रख के हम कैनवास कट कर लेंगे, लाइनिंग पट्टी यूज नहीं करेंगे, खाली कैनवास लगा के हम इसको फिनिशिंग दे देंगे। कैनवास भी इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और ड्राफ्ट रख दिया है और सेम ड्राफ्ट पे कट कर देंगे। और जो कैनवास की चौड़ाई लेंगे वो हम 1 इंच लेंगे। अभी आपको सिलने का तरीका बताते हैं। तो देखिए जो ब्लाउज है इसको हम सीधा रख लेते हैं, इसके ऊपर लाइनिंग रख लेते हैं और देखिए हमारा जो ये ड्राफ्ट है इसको रख लेते हैं इस तरह से। अभी क्या करेंगे, सेम लाइन पे इसको पहले स्टिच कर लेंगे, फिर नेक कट कर देंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो जो पलटने के बाद देखिए ये मैंने दो कलर के, एक गोल्ड कलर लिया है और एक सेम ब्लाउज का कलर है, इस तरह के ट्रायंगल बना है। और इस तरह के ट्रायंगल कैसे बनाते हैं वो आपको बताती हूँ। देखिए ये मैंने पीस लिया है, ये 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा है, चौकोर पीस है। सेम दूसरा पीस लिया है, ये 1.5 इंच चौड़ा 1.5 इंच लंबा है। तो अभी क्या करेंगे, हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से इसके बाद सेम इसको भी इसी तरह से, और देखिए दोनों पीसों को हम यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे और फिर यहाँ पे स्टिचिंग डाल देंगे। और फिर आप अपना साइज के अनुसार ले सकते हैं कम ज़्यादा, जैसे कि मैंने ये छोटा पीस लिया है तो इसकी चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ कितनी। देखिए ये 1.25 इंच के आसपास है, तो इसी तरह हम यहाँ पर फिर इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था, नीचे मैंने सीधा ब्लाउज रख लिया, उसके ऊपर लाइनिंग रख लिया है और ये कैनवास रख के मैंने स्टिच डाल दिया है। मैंने इसमें डोरी डाली है, शोल्डर से 3 इंच लिया है, दोनों साइडों में डोरी भी अटैच कर दी है। अभी हम नेक को कट कर देते हैं। देखिए मैंने ये कट कर दिया है और अभी हम इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद किनारे पे पहले सिलाई डालते हैं, जैसे ये सेट हो जाएगा। तो देखिए मैंने स्टिच डाल दिया है और अभी हम इसको एक्स्ट्रा जो हमने ले लिया था 1/2 इंच, इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो देखिए मैंने ये स्टिच डाल दिया है और देखिए नॉर्मल जैसे प्लेट डालते हैं प्लेट भी डाल दी है। और देखिए अभी हमने जो डिजाइन डालने वाले हैं तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है, दोनों पीसों को इसी तरह तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पर स्टिच डाल देते हैं। तो देखिए जो डिजाइन देने वाले हैं उसके लिए हम पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो जो लेस है हमारी, ये लेस हम यहाँ पे एक तो हमारे किनारे पे आ जाएगी और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे 1/2 इंच के आसपास छोड़ के इन दूसरा लाइन इसका लगाएंगे लेस का। उसके बाद यहाँ तक हम इसको लेस को लगाएंगे 1 साइड लेफ्ट साइड में, और जो राइट साइड में आएगा वो तो आपको इस तरह से आते हुए जो डिजाइन आएगी हमारी यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में आएगी। तो यहाँ पर हमारी डिजाइन रहेगी और उसके ऊपर फिर हमारी ये लेस भी रहेगी। तो यहाँ पर एक लाइन में तो सिर्फ लेस ही लेस लगाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक, सेम इस साइड में भी, और दूसरी लाइन में जो ये डिजाइन है हमारी दूसरी लाइन में लगाते हैं। तो उसके लिए हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लेस का काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर ये डिजाइन लगाएंगे इसमें। तो देखिए पहले हम लेफ्ट साइड में लगा लेते हैं।
तो देखिए इसके बाद हम यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ पर गैप छोड़ देंगे हम। तो देखिए इतना गैप छोड़ने के बाद फिर एक और लाइन यहीं तक स्टिच करते हैं। ये मैंने एक एक स्टिच डाली है, एक और डाल देते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ से लेके ये राइट साइड में इस तरह से यहाँ तक लगा देंगे और फिर जो सेकंड लाइन आएगी उसमें डिजाइन डालेंगे। तो देखिए ये मैंने लेस लगा दी है और अभी हम डिजाइन देते हैं। तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं, तो 1 इंच छोड़ देते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम 1 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं इसी तरह 1 1 इंच पर। देखिए हमने ये मार्किंग कर ली है और इस मार्किंग पे ये हम यहाँ पे ये डिजाइनें लगा देते हैं। देखिए इस तरह से सेट करना है। अभी इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो ये लेस है इस लेस को भी इसके ऊपर से यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे, तो ये लेस से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए ये लेस भी मैंने इस तरह से ट्रायंगल भी लगा दी है, उसके बाद ये लेस लगा दी है और यहाँ पे हमने यहाँ पे छोड़ दिया है इस लेस को। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे एक बटन लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लुक आएगा, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। और देखिए ये रोज लटकन कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी नेक डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।